गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बलून में कलर करना सीखेंगे। सो, यहाँ पे पैराशूट बलून कैसे बनते हैं, उसमें कलर कैसे करते हैं, आज हम यहाँ पे कलर करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए सारे कलर यूज करने हैं। जो भी कलर हमारे पास है वो सब कलर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, मल्टी कलर बलून बनाएंगे। सो, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक पर्पल कलर से स्टार्ट करूंगी, मिडिल वन में। एक क्लियर पिक्चर होने के लिए क्या होता है कि वो कलर जो है वो लाइन से बाहर ना जाए, जो कलर है वो अपनी लाइन में ही रहे, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से कलर हमारा हो चुका है यहाँ पे। सेम मेथड से हम लोग अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर करेंगे। और यहाँ पे हम वापस ऑरेंज कलर करेंगे। यहाँ पे अच्छे से कलर हो चुका है। अभी हम जो कलर एक साइड पे करेंगे, सेम कलर हम दोनों साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, तो मैं राइट साइड पे भी ब्लू ही करूंगी और लेफ्ट साइड पे भी ब्लू ही कलर करूंगी। सो स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे कलर हो चुका है ऊपर की साइड पे। अभी सेम प्रोसेस हम नीचे की साइड पे करेंगे। यहाँ पे पर्पल करेंगे, यहाँ पे येलो करेंगे। कलर
यहाँ पे मैंने पर्पल कलर कर लिया है। अभी सेम हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे मल्टी कलर अलग अलग कलर लग रहे हैं। यहाँ पे ऑरेंज था तो मैंने लास्ट में डाल दिया, तो हम अलग प्रोसेस से सब हमारी अपनी चॉइस से अलग अलग कलर कर सकते हैं। बट मेक श्योर स्टूडेंट कलर का कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, मल्टी कलर भी अच्छे से सेट होने चाहिए, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छे से आना चाहिए, तो वैसे हमें कलर सारे सेट करने रहेंगे। अगर हमें कलर हमारी लाइन से बाहर ना निकले तो हमें यहाँ पे पतली पतली लाइन बना लेनी है धीरे धीरे। एक बार हमारी ये लाइन बन जाए, एक लेयर बना ले हम साइड से, और फिर अभी हम स्पीड में कलर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कलर भी जल्दी से हो जाएगा और कलर लाइन से बाहर भी नहीं जाएगा। तो ये टेक्निक मैं हर बार यूज करती हूँ, आप भी यूज कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। सो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर भी कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही यहाँ पे जो हमने किए हैं वैसे मैं यहाँ पे मल्टी कलर से कलर कर लूंगी और यहाँ पे हम ब्राउन कलर करेंगे। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे कलर कंप्लीट कर लिया है, आप भी सेम ऐसे ही कलर करो। मेक श्योर आपको कलर अगर लाइन से बाहर नहीं निकलना है तो यहाँ पे आप पतली पतली पहले आउटलाइन कर लो और फिर उसके अंदर कलर अच्छे से फिल करो, ताकि आपके लाइन से कलर भी बाहर ना जाए और आपके कलर अच्छे से स्पीड में हो सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जल्दी जल्दी ये मस्त वाला ड्राइंग बनाइए और आप मुझे वीडियो सेंड कीजिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।